दीदी कैसे भी करके कुछ करके मुझे शादी के झंझट से बाहर निकालो। पर दो चार पांच दिन में क्या होगा, मैं दो साल में सोच के बैठा था कि मेरे पास दो साल है। ले ले तू ही बात कर ले, ले। लेकिन सर मेरी तो शादी हो चुकी है। I want to live life and enjoy. तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे साथ भी fun loving और sexy लड़की। बहुत बिगड़ गया है। ऐसा नहीं है, वो बहुत भोला है। अरे लंदन के क्लाइंट्स कहाँ समझते दिवाली, क्लाइंट को सेटिस्फाई करने में टाइम तो लगता ही है। तुम्हारे इंडिया में बड़ी फैमिली क्यों होती है? I don't have a family. उसकी शादी जो है जल्दी से जल्दी अनिवार्य रूप से करवा दो। कहीं प्रपोज करने का इरादा तो नहीं है? तुम्हें कमिटमेंट से इतना डर क्यों लगता है? सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। शादी तो करनी है, बस दुल्हन मान जाए। मान जाएगी, वरना कोई और सही। पंडित जी ने कहा है अगर तुम्हारी शादी दो महीने में नहीं हुई तो फिर ये कभी नहीं हो सकती। तू ही कुछ करो, संभाल। अनीशा का आकाश तू, पापा मम्मी का आकाश तू, सबको चाहिए कौन? तू। और तू चाहता है कि मैं कुछ करूं? घंटा। डैडी जी। आकाश कोइंसिडेंस देखो पापा, अनीशा इस इडियट की वाइफ निकली। मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों के नाम में नहीं लाइफ में भी बहुत कोइंसिडेंसेस हैं। वैसे घर तुम्हें अकेले के लिए है क्या? नहीं नहीं, इनके पति भारत है। आकाश अच्छा बता आज ब्रेकफास्ट में क्या खाएगा, बच्चे जवाब तो दे। कल आकाश को लड़की वाले देखने आ रहे हैं। तो निशा से किस एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस कर रहा था बे? अरे वो एक्सरसाइज जो तुम लोग सुबह शाम आगे पीछे ऊपर नीचे वक्त बेवक्त करते रहते हो ना, बस उसी की बात हो रही थी। कमी है। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.